हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्ली रिव्यू के बारे में, वेडनेसडे एडम नाम की वेब सीरीज के बारे में, जो कि आज जो है नेटफ्लिक्स पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है। अब उसे देखने से पहले आप जो है इस रिव्यू को एक बार चेकआउट कर लेना कि उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है और जो व्यूवर्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज को लेकर। तो सारी बात इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे ये वाली वेब सीरीज आपको कब तक देखने के लिए मिलेगी इंडियन रिलीज टाइम के अकॉर्डिंग, तो इस बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे भूले भटके आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट के और आप देख रहे हो टीवी क्लब पॉइंट। अब देखो इसके अर्ली रिव्यू के बारे में, वेडनेसडे एडम नाम की जो वेब सीरीज आ रही है जिसमें आपको टोटल 8 एपिसोड देखने के लिए मिलने वाले हैं और ये आपको हिंदी में भी देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन बात करें इसके रिव्यू के बारे में, अर्ली रिव्यू, तो इसमें आपको जो है कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि इसके स्टार्टिंग के जो 4 एपिसोड हैं, जो इसके डायरेक्टर हैं टिम बर्टन, उन्होंने वो खुद डायरेक्ट किए हैं, लेकिन 4 एपिसोड के बाद में वो हैंड ओवर कर दिए, जिस वजह से जो व्यूवर्स ने कहा है या व्यूवर्स का मानना है कि इसके जो 4 एपिसोड के बाद में जो एपिसोडों का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो स्टार्टिंग के 4 एपिसोड और उसके बाद के जो 4 एपिसोड है उनमें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे जैना ओर्टेगा के परफॉर्मेंस के बारे में, जिन्होंने इसमें वेडनेसडे एडम का कैरेक्टर प्ले किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस की काफी ज्यादा तारीफ की गई है कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से प्ले किया है। इसकी प्रेजेंटेशन की, जो कि इसमें स्पूकी प्रेजेंटेशन आपको देखने के लिए मिलती है, साथ में कॉमेडी हॉरर देखने के लिए मिलता है, डार्क कॉमेडी देखने के लिए मिलती है, तो उसकी भी यहाँ पे तारीफ की गई है। साथ में जो इसके सेट डिजाइन है उसकी भी तारीफ जो है व्यूअर्स ने कहा है कि हाँ उसके सेट डिजाइन काफी बढ़िया देखने के लिए मिलते हैं। दूसरे में जो फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, जो भी इसमें मैजिक वगैरह देखने के लिए मिलती है, जो डार्क मैजिक देखने के लिए मिलती है, उनकी भी यहाँ पे तारीफ की है। यहाँ पे जो हमारे वेडनेसडे एडम का जो कैरेक्टर है उनके साथ में जितने भी कैरेक्टर का रिलेशनशिप देखने के लिए मिलता है वो बिलीवेबल और आप कह सकते हो हार्ट वार्मिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आप जो है कह सकते हो वेडनेसडे के कैरेक्टर के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, लेकिन यहीं पे कुछ फ्लोज भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो व्यूअर्स के एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे हम जो है बात करने वाले हैं, जो कि फ्लोज ये निकल कर आते हैं कि इसमें जो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि वीक राइटिंग की वजह से जो है अपने आप पे जो है इतना काम नहीं कर पाते हैं और जिन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अपने कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। साथ में जो इसकी स्टोरी टेलिंग है थोड़ी सी आपको फील करा देती है चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना के जैसी, तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे कहीं कहीं आपको ऐसा फील करा देती है, इस वजह से थोड़ी सी टिपिकल वाली डार्क कॉमेडी हो जाती है। अब जिन लोगों ने चिलिंग एडवेंचर ऑफ सबरीना देख रखी है तो उन्हें पता होगा कि किस टाइप की डार्क कॉमेडी इसमें आपको देखने के लिए मिलती है और थोड़ा जो डार्क कॉन्सेप्ट है वो किस साइड में चला जाता है। आपको थोड़े बहुत फ्लोज देखने के लिए मिलते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है इससे इंटरेस्टेड रहते हो। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि व्यूअर्स ने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि अगर आपको एक अच्छी खासी डार्क कॉमेडी चेकआउट करनी है जिसमें आप इंगेज रहो तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। मतलब इसमें थोड़ी बहुत कमियों के बावजूद भी आप वेडनेसडे के कैरेक्टर से, जैना ओर्टेगा के कैरेक्टर से अच्छे खासे अटैच हो जाओगे, जिस वजह से ये सीरीज आपको पसंद आ जाएगी। बेशक से इसकी थोड़ी बहुत वीक राइटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, कुछ कैरेक्टर इसमें वीक रह जाते हैं, उनके जो आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन इतने अच्छे तरीके से नहीं की गई। ओवरऑली कुछ पॉइंट थे जो कि लोगों ने अपने बताए हैं कि उन्हें किस टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने के लिए मिला। कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पे स्पॉइलर वाला था जो कि मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, जहाँ पे जो है स्टोरी के बारे में बात की गई थी, तो स्टोरी के बारे में बात यहाँ पे अभी नहीं करूंगा क्योंकि जब तक मैं इसे खुद चेकआउट नहीं करूंगा उससे पहले मैं आपको जो है स्टोरी के बारे में तो यहाँ कुछ नहीं बताऊंगा। बाकी आपको ये अर्ली रिव्यू कैसा लगा और क्या आपकी एक्सपेक्टेशन इससे अब बिल्ड हुई या नहीं, बात कर लेते हैं इसके रिलीज टाइम के बारे में कि आज आपको कितने टाइम तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखो अब जैसे कि आपको पता है विंटर सीजन चल रहा है, तो नेटफ्लिक्स का विंटर टाइम जो है शेड्यूल है वो है 1:30 बजे के करीब। मतलब पहले वो 12:30 बजे करीब प्रमाइज कर देते थे, लेकिन अब आपको वो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 1:30 बजे दोपहर को देखने के लिए मिलेगी। मतलब आफ्टरनून के अकॉर्डिंग आपको 1:30 PM पे देखने के मिलेगी 1:30 बजे। अब आपको जो है इसका वेट ज्यादा करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 1:30 बजे का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही 1:30 बजेंगे आप अपने स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेना, आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। आपसे अलविदा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना जादू टोना के मैसेज से पहले तुम्हारे भाई वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड, आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।